नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरें। सावंत की बैठक में व्यवस्थाओं पर फोकस, कमिश्नर बोले माइक्रो लेवल पर रहे तैयार, डीएम ने बनाया धर्म गुरुओं का व्हाट्सएप ग्रुप। नगर निगम कर्मचारी को दौड़ाकर पीटा दुकानदार, धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा था बैंड पॉलिथीन, फोटो वीडियो बनाने पर मोबाइल तोड़ा। पति ने पत्नी को प्रेमी संग बंद कमरे में पकड़ा, 5 साल पहले भी प्रेमी के साथ भाग गई थी महिला, झांसी का मामला। शाजापुर में थाने में बंद युवक हुआ घायल, 4 दिन से थाने के हवालात में कर रहा था बंद लड़की भगाने का आरोप। चित्रकूट में बुजुर्ग का गला रेत कर हत्या, जमीन के पैसे का चल रहा था बेटे से विवाद, कमरे में सोते समय मारा। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने की विशेष साधना, सुबह 5 बजे गोरक्षपीठ में की विशेष अनुष्ठान, गायों को खिलाया चारा। देर रात हुए 2 सड़क हादसे, आगरा जयपुर हाईवे पर 2 की मौत, झरना नाले पर ट्रक चालक की पीआरवी ने बचाई जान। 5 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, स्कूल जाते समय हुआ अपहरण, खंडहर में शव के पास थी बियर की 4 बोतलें। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हाथरस में दर्ज हुए 2 मुकदमे, एसआईटी टीम करेगी जांच, 14 जुलाई को होगी सुनवाई। बागपत में फरार बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कल कोर्ट में किया था सरेंडर, फिर सजा के डर से मोरर को चकमा देकर भागा। अंबेडकर नगर में रिटायर्ड डीआईओएस विनोद सिंह समेत 4 पर केस, वेतन में हेराफेरी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा। डंपर की चपेट में आने से पुजारी की मौत, सुबह 4 बजे मंदिर जा रहे थे, गुस्साए लोगों ने 5 ड्राइवर को बनाया बंदा। मावी से दुष्कर्म करने का आरोपी जेई भांजा गिरफ्तार, मोबाइल पर मिले कई अश्लील वीडियो फोटोज, आरोपी पर पहले से दर्ज है मुकदमे। कासगंज में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, खेत के पास खेल रही थी मासूम, बोरिंग का काम करने वाले मजदूर ने बना लिया शिकार। मथुरा में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गोवर्धन की परिक्रमा करने से रोका, योगी सरकार पर भड़के लालू के बेटे। महाराजगंज में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पीटा, मुंडवाए सिर के बाल, महिला के घर में घुसे थे दोनों। फिरोजाबाद के किसान मुआवजे के लिए पहुंचे हाईकोर्ट, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। आईजी के निरीक्षण में फेल हुए पुलिसकर्मी, इटावा के थाने में राइफल खोलने और बंद करने में फंसे, आईजी ने फटकार लगाई। मथुरा में गौशाला का उद्घाटन, महाराष्ट्र के संत ने वृंदावन में बनाई गौशाला, साधु संतों ने किया शुभारंभ। चंदौली में सोने की चेन गायब होने का प्रकरण, एएसपी ने सीओ को सौंपी जांच, सिपाही के साथ कई अन्य भी जांच के दायरे में। बरेली में तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर दिखाई दबंगई, तो एक युवक ने फायरिंग कर फैलाई दहशत, फिर हुआ मुकदमा। अलीगढ़ में मूसेपुर हत्याकांड में जारी है पुलिस का एक्शन, एसएसआई और लेपर्ड कर्मियों पर गिरीकाज। लेट हो रहा निर्माण, डीएम ने लगाई फटकार, निर्माण पूर्ण हो चुके ओवरब्रिज और भवनों को जल्द संबंधित विभागों को सौंपने के निर्देश। ललितपुर में सड़क पर विदेशी पक्षी देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, ग्रामीणों ने वन विभाग को किया सूचित। हमीरपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने 2 महिलाओं को कुचला, मौके पर मौत, जांच में जुटी पुलिस। रेप के बाद मॉडल को मारने की कोशिश, मुजफ्फरनगर में लड़की बोली मेरे साथ इंस्टाग्राम रील बनाता था, अब मार देना चाहता है। 1.5 घंटे थाने में बैठाया नवजात बच्ची की मौत, जेठ ने गोद से छीन कर फेंका था महिला बेटी का, लाश लेकर पहुंची एसपी। टीईटी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, 22 आरोपी हो चुके गिरफ्तार, 4 फरार चल रहे। नर्सिंग की मार्कशीट के लिए 4थी मंजिल पर चढ़ गया युवक, कानपुर में पुलिस ने करीब 5 घंटे बाद बिल्डिंग से नीचे उतरवाया। कार में मुंह बोले मामा ने किया
बैड टच, स्कूल में एडमिशन दिलाने के बहाने ले जा रहा था छेड़छाड़ की, साहिबाबाद थाने में एफआईआर दर्ज। भदोई में एनकाउंटर करने वाली टीम को इनाम 75,000 रुपए देने की घोषणा, कुख्यात बदमाश पर 24 मुकदमे दर्ज। रामपुर में कुपोषण की प्रगति देखकर मुख्य सचिव ने सराहा, 4 महीने में अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार। शाहजहांपुर में मुठभेड़ में तेल चोर गिरोह 5 सदस्य गिरफ्तार, पेट्रोल पंप ढाबा और होटलों के बाहर खड़े ट्रकों से करते थे डीजल चोरी। पीलीभीत में मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों में विवाद, मंदिर में लगे हर हर महादेव के जयकारे, जमकर हुआ हंगामा। बिजनौर में बीड़ी पीने की शिकायत पर बवाल, युवक ने घर पर बताने वाले को पीटा तो दोनों गुटों में लाठी डंडे चले, महिलाएं भी भिड़ी। शामली में हॉस्पिटल के बाहर मारपीट, बेटे का इलाज कराने आए थे हॉस्पिटल, घटना के बाद आरोपी युवक फरार। देवरिया के सीएचसी पीएचसी में नहीं मिलते डॉक्टर, अस्पताल में बंद पड़ा रहता है ताला, इलाज के लिए भटकते रहते हैं मरीज। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, 800 फरियादियों की भीड़ देख बिफरे सीएम योगी, बच्चों को देखते ही हो गए खुश। गाजीपुर में थानों का रियलिटी चेक करने निकले एसपी, रजागंज चौकी से के भी आरक्षियों को किया लाइन हाजिर। बदायूं में जहरीली शराब के 2 महिला सहित 6 लोग गिरफ्तार, 190 लीटर जहरीली शराब समेत 800 लीटर लहन बरामद। पावर कॉरपोरेशन के अवैध दफ्तर में बुलडोजर के सहारे ढाया, गाजियाबाद में नाले पर बनाया था दफ्तर, एनजीटी के आदेश पर कार्यवाही। हमीरपुर में डंपर ने 2 महिलाओं को रौंदा, मौके पर हुई मौत, पिता के अंतिम संस्कार से लौट रही थी बेटी, हिरासत में आरोपी ड्राइवर। हापुड़ में बारिश से सड़क बनी तालाब, चौकी से लेकर सरकारी कार्यालय हुए जलमग्न, मौसम हुआ खुशनुमा। इंसाफ मांगने पर पुलिस ने महिला को पीटा, वीडियो वायरल, 3 दिन पहले हर्ष का स्कूल से अपहरण कर हुई थी हत्या, एसएसपी ने कहा होगी जांच। अलीगढ़ में दक्षिणा मांगने के नाम पर घर में घुसी भिक्षुक ने महिला को किया बेहोश, पुलिस ने 8 को हिरासत में लिया। गुरु पूर्णिमा पर अयोध्या पहुंचे भक्तों ने निभाई गुरु शिष्य की परंपरा, श्रद्धालुओं ने मंदिरों में किया दर्शन पूजन, गुरुओं की भी उतारी आरती। बलिया में पिलुई गांव विस्फोटक पदार्थ के फटने से 4 बच्चे घायल, घटना स्थल पर पहुंचे एसपी, बचे हुए पदार्थ को किया नष्ट। बिजनौर में टिकटों को लेने के चक्कर में 2 गुटों में चले लाठी डंडे, पुलिस ने 8 दबंगों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में किसान ने गल्ला व्यापारी पर तोल में घटतौली का लगाया आरोप, किसान को घटतौली की भनक लगते ही मक्का की तुलाई करवाई। गोंडा में बाल विकास परियोजना पर महिलाओं ने पोषाहार और अन्य पोषक सामग्री न मिलने का लगाया आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा प्यावली गांव में घर पर रात के अंधेरे में किया गया पथराव, जमकर फेंके गए ईंट पत्थर, महिला को आई गंभीर चोट। 1 महीने की बेटी का शव लिए न्याय के लिए गुहार लगाने थाने पहुंची मां, पुलिस वालों ने गाली गलौज कर भगाया। गोंडा में डबल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप, रात में सोते समय बेरहमी से की गई थी बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में सावन से पहले आनंदेश्वर मंदिर का रास्ते में गंदगी देखकर लोगों ने नाराजगी जताई, नगर निगम की बड़ी लापरवाही आई सामने, मंदिरों से नहीं उठा कूड़ा। कुशीनगर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस वितरण समारोह का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में लाभार्थियों को किया गया निःशुल्क गैस वितरण। सावन के मौके पर बाजार में योगी मोदी टी शर्ट की धूम, शिव भक्तों की पहली पसंद बनी योगी मोदी टी शर्ट। रायबरेली में गुरु पूर्णिमा पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर गंगा के घाटों पर आस्था का सैलाब टूटा। गुरु पूर्णिमा पर पूर्व मंत्री एवं विधायक विनोद सिंह ने किया श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का शिलान्यास, कहा तन मन धन तीनों से सेवा के लिए मेरा समर्पण रहेगा। वाराणसी में नमामि गंगे ने चलाया संत रविदास मंदिर के सम्मुख स्वच्छता अभियान, कहा पॉलिथीन माँ गंगा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हरदोई में चक्रोड के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में एक पक्ष हुआ घायल, तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामूली विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों की ओर से जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में एसपी ने पीपरपुर और रामगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान एसपी ने परिसर में गंदगी देख एसपी ने लगाई फटकार। बुलंदशहर में महिंद्रा पिकअप और बुलेरो की भिड़ंत, हादसे में चाचा भतीजे समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। फतेहपुर में पुलिस कप्तान राजेश सिंह ने पैदल गश्त कर दिलाया सुरक्षा का भरोसा, शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गश्त किया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील की टीम ने पशु चर भूमि कराई कब्जा मुक्त, जमीन पर कब्जा करने वाले कब्जेदार पर एफआईआर। गोंडा में सड़क में मिल रहे गुणवत्ता की मरम्मत की शिकायतों पर डीएम सख्त, तत्काल सुधार के लिए कार्रवाई होगी। सीएमओ ऑफिस के बाबू का काम कर रहा लैब टेक्नीशियन, सतकबीर नगर से 30 जून को हुआ था तबादला। यूपी में बुलडोजर पर नहीं लगेगा ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 अगस्त को करेंगे सुनवाई, सरकार का जवाब जमीयत उमेला गुमराह कर रहा। जौनपुर में वेंडर को क्यूआर कोड देने का निर्देश, सफाई न मिलने पर डीएम ने लगाई कड़ी फटकार, तालाबों पर ड्रेनेज बनाने का निर्देश। गुरु पूर्णिमा पर महादेवी गंगा तट पर उमड़े श्रद्धालु का नौज में गंगा तट पर की महाआरती, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सरकार के मंत्री हाजी याकूब की संपत्ति होगी कुर्क, मीट माफिया पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस ले सकती है बड़ा एक्शन। सिद्धार्थनगर में सिंचाई बंधु की हुई बैठक, डीएम बोले किसानों को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या, नहरों में तेल तक पानी पहुंचने के निर्देश। बांगरमऊ में दूध टैंकर ने महिला को कुचला, बाइक सवार दो बच्चे घायल, 20 मार्च को पति ने की थी दूसरी शादी। सपा विधायक के भाई के मकान की होगी कुर्की, बाराबंकी की सदर सीट से एमएलए धर्मराज के भतीजे अर्जुन पर लगा गैंगस्टर एक्ट। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।